Hey, what's up viewers? Welcome back to the channel with another video. So guys, आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ बोया की तरफ से एक माइक जो कि मेरा नया DSLR के लिए है, जो कि निकॉन का D56, जिसका मैं अनबॉक्सिंग का वीडियो में जल्दी से लाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं इसका अनबॉक्सिंग साथ में टेस्टिंग। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये जो है बिल, और बिल के साथ में यहाँ पर मिलता है हम लोग को कुछ बॉक्स ऐसा, और यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है मेन कंटेंट, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर बोया का ब्रांडिंग दिया गया है, और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर जो कि 5mm1 यूनिवर्सल कार्डियोड माइक्रोफोन। और दोस्तों यहाँ पर जो है इसका पिक्चर्स दिया गया है, और यहाँ पर थोड़ा फीचर्स के साथ में दिया गया है जो कंपेटेबल विथ फोन, टैबलेट, लैपटॉप, कैमरा एंड हैंडीकैम। तो इसके पीछे साइड में देखते हैं तो इसका यहाँ पर भी मॉडल नंबर दिया गया है, और इसके पीछे यहाँ पर थोड़ा फीचर्स देखते हैं। तो दोस्तों फीचर्स में यहाँ पर थोड़ा कुछ देखने को मिलेगा हम लोग को, जो कि यहाँ पर आप बाद में पढ़ सकते हैं, और स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पर दिया गया है। तो जल्दी से इसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं और टेस्टिंग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अंदर देखने को मिल रहा है हम लोग को कुछ इसका फॉर्म, जो कि विंड नॉइस जो कैंसलेशन जो फॉर्म है वो। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इसका वारंटी कार्ड मिल रहा है, और साथ में यहाँ पर इसका मैनुअल, यूजर मैनुअल मिल रहा है दोस्तों, जिसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, इसको रखते हैं साइड में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेन बॉडी को। तो ये जो है बोया का माइक, हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है बोया का माइक, जो कि काफ़ी बढ़िया है, मेटल बॉडी में है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, वेल फिनिशिंग है। और इसका जो है विंड नॉइस का जो कैंसलेशन के लिए ये है, ये फर काफ़ी, लेकिन ये फर निकलेगा जैसा लग रहा है, लेकिन हम लोग इसको खींचेंगे नहीं, तो काफ़ी इसको क्वालिटी बढ़िया है, तो इसको रखते हैं साइड में। तो दोस्तों इसके बाद में हम लोग को मिलता है यहाँ पर एक का इसका हॉट शू माउंट, जो कि हम लोग कैमरा में अटैच कर सकते हैं, और ये जो है इसको हम लोग ऐसे करके रख सकते हैं। तो इसको साइड में रखते हैं अभी फिर से। तो यहाँ पर मिलता है हम लोग को एक केबल, जो कि है एक कैमरा में जाएगी और दूसरी जो है माइक में जाएगी, और ये भी मिलते हैं इसी तरीके से केबल, जो कि फ़ोन में जाएगी और माइक में जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर एक पाउच मिला है, जो कि बोया का ब्रांडिंग के साथ में मिला है, और हर एक बोया के प्रोडक्ट में ये पाउच मिलते हैं, जो कि काफ़ी लेदर फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है इसका। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इसको हम लोग थोड़ा असेंबल करते हैं, पहले इसको डाल देते हैं, इसको डाल लिए हैं। तो और मुझे DSLR के साथ में कनेक्ट करना है, तो DSLR का जो है ये कनेक्ट करते हैं, ये जाएगा इसके साथ में, और ये जो जाएगी DSLR के पिन में, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग कनेक्ट करते हैं DSLR के साथ में। तो दोस्तों ये जो है मेरा DSLR, जो कि निकॉन की तरफ से D5600, और जिसका बाइंग लिंक, दोनों प्रोडक्ट का बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में जो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो है मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें हम लोग ये जो माइक को फिट करते हैं, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा ऊपर खींचेंगे और साथ में ऐसे करके डालेंगे, और ये जो इसको हम लोग ऐसे राउंड करते घुमाते हुए इसको टाइट कर देंगे दोस्तों। तो ये हो गया हमारा टाइट, और यहाँ पर रख देते हम लोग इसको। और ये जो है, ये जो पिन जो है, हम लोग ये DSLR के ऑडियो सेक्शन में हम लोग डाल लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑडियो सेक्शन, जहाँ पे माइक का इनपुट सेक्शन दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर हम लोग इसको इंसर्ट कर देंगे।
तो ये हो गया माइक का इंसर्ट। तो चलिए कैमरा को थोड़ा ऑन कर लेते हैं। पहले लेंस का कवर मैं खोल देता हूँ और कैमरा को करते ऑन और इसको थोड़ा लाइव व्यू में जाते हैं। तो ये है दोस्तों, तो चलिए हम लोग थोड़ा इसका टेस्टिंग करते हैं विथ माइक और विदाउट माइक। विदाउट माइक पहले हम लोग देखते हैं कैमरा में, कैमरा का कैसे ऑडियो क्वालिटी आता है। सो गाइस, ये जो ऑडियो आप लोग को सुनाई दे रहा है, ये जो ऑडियो सुनाई दे रहा है ये विदाउट माइक सुनाई दे रहा है, जो कि बोया का जो माइक है विदाउट माइक सुनाई दे रहा है। और जो इसका आने वाला जो जो ऑडियो सुनाई देगा वो जो है माइक के साथ में ऑडियो सुनाई देगा। तो इसका चेकिंग करते हैं। सो गाइस, ये जो आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रहा है ये जो कि बोया के माइक के थ्रू सुनाई दे रहा है, जो कि इसके आगे वाला जो आपको ऑडियो सुनाई दे रहा था ये ऑडियो सुनाई दे रहा था आपको जो कैमरा के इनबिल्ट ऑडियो से सुनाई दे रहा था। लेकिन जो ये ऑडियो सुनाई दे रहा है आपको, ये जो है बोया का जो माइक मैंने इंसर्ट किया हुआ है, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। और अगर आपको लग रहा है कि इसका ऑडियो क्वालिटी में काफ़ी चेंजेस आया है या ऑडियो क्वालिटी में सुधार आया है, तो मैं इसका बाइंग लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो गो एंड चेक आउट द लिंक। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही में कमेंट करना ना भूले, और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल वाले आइकन को भी दबाना ना भूले। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।